चलिए सीधा आपको लिए चलते हैं बांदीकुई, जहां पर बसपा प्रत्याशी भागचंद के साथ हमारे संवाददाता चंद्रशेखर शर्मा वहां मौजूद हैं। जी चंद्रशेखर जी, बताना चाहूंगा बांदीकुई में आज बहुजन समाज पार्टी की विशाल जनसभा है और बसपा सुप्रीमो मायावती इस सभा को संबोधित करने वाली कुछ ही देर में यहां पर आ रही है। बांदीकुई से बसपा प्रत्याशी भागचंद सैनी हमारे साथ मौजूद है। जी भागचंद जी, बताएं मायावती जी की आज रैली किस तरह का उत्साह नजर आ रहा है? बहुत जबरदस्त उत्साह है लोगों में और वो तो आपको भी देखने को मिल रहा होगा। हर गाँव से, हर ढाणी से इतने लोग आए हैं कि शायद मुझे लग रहा है कि वो एक उत्सव मनाने आए हैं और बहन जी को सुनने और देखने। आज पहली दफे दौसा के बांदीकुई में पहली दफे बहन जी का आगमन है और बड़ा जोश है लोगों में और बड़े जोश के साथ सभी लोग यहाँ पधारे हैं, सर्व समाज के लोग पधारे हैं। आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतर रहे हैं? देखो मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन बिजली है, पानी की बड़ी समस्या है, आगरा फाटक की बड़ी समस्या है, बेरोजगारी की बड़ी समस्या है, बहुत से ऐसे काम हैं जो अब से पहले जो सरकार रही उनमें वो नहीं हो पाए। राजस्थान में पीएम की भी सभा हुई है, यूपी सीएम की भी सभा हुई है, क्या इन सभाओं का असर पड़ेगा? देखो अब कोई असर पड़ने वाला नहीं है, जनता ने मन मना लिया है, सरकार बदलेगी, आप निश्चिंत रहें। अगर आप विधायक बनते हैं तो बांदीकुई में क्या क्या करवाएंगे? बांदीकुई के जितने भी काम है वो मुझे अधूरे काम पूरे करवाने हैं। आगरा फाटक की समस्या है, सबसे बड़ी पेयजल की समस्या है, एक खेल स्टेडियम की समस्या है, क्योंकि बांदीकुई रेल नगरी नहीं खेल नगरी भी है। अब तक जो विधायक थे इन्होंने कुछ कराया नहीं कराया, किन आधार पे? देखो अब तक जो विधायक रहे उनका यहाँ से नाता कम रहा, आए जयपुर से आए बाहरी होने का उन्होंने होने के नाते यहाँ चुनाव जीत कर चले गए और उसके बाद महीने में दो महीने में उनका आगमन होता था। बांदीकुई की जनता परेशान थी आने जाने में, अब उसका तो युवाओं के रोजगार की भी काफी समस्याएं हैं बांदीकुई में। बांदीकुई में बिल्कुल रोजगार की समस्या है, लेकिन हमने बांदीकुई में रिकॉन डिस्ट्रिक्ट एरिया के पास स्टोन पार्क बनाने की जो सरकार की योजना थी, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधियों की विफलता रही और वो नहीं बन पाया। कम से कम 5 से 8 हजार लोगों को रोजगार का एक बहुत बड़ा ये स्टोन पार्क बनने को था जो नहीं बन पाया। हम उसके लिए पुरजोर कोशिश करेंगे और बांदीकुई में रोजगार की समस्या का बहुत हद तक निदान हो जाएगा। ये थे भागचंद सैनी जी जो बता रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी अगर आती है तो रोजगार दिलाएंगे। चंद्रशेखर इनसे ये पूछे कि भाजपा और कांग्रेस जो दोनों बड़ी प्रमुख पार्टियां हैं उनके सामने, इनके समक्ष कौन कौन से बड़ी चुनौतियां रहेंगी इस चुनावी मैदान में? सवाल द्वारा रिपीट करें भारती जी। चंद्रशेखर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आप इनसे ये सवाल पूछें कि कौन कौन सी चुनौतियां इनके सामने रहेंगी, क्योंकि सामने मुकाबला इतना आसान नहीं है इनके समक्ष। बिल्कुल बताना चाहूंगा कि मुकाबला बेहद कड़ा है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के जो वोटर होते हैं वो फिक्स होते हैं और जो जातिगत आधार पे बहुजन समाज पार्टी ने इस बार टिकट दिए हैं, इन टिकटों के माध्यम से ये है अगर जिस टिकट का वर्ग है और बहुजन समाज पार्टी के जो कट्टर एससी और एसटी वर्ग माना जाता है, अगर ये दोनों एक होकर चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवारों को टक्कर दे सकते हैं। भारती जी चंद्रशेखर, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे A1 संवाददाता चंद्रशेखर शर्मा, बांदीकुई से लाइव हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने बातचीत की बसपा प्रत्याशी से भागचंद सैनी से और बताया कि वो किन मुद्दों को चुनावी मुद्दों को बनाकर वो सामने आए हैं और कितनी कड़ी टक्कर वो भाजपा और कांग्रेस को दे सकते हैं। ये सब बातचीत उन्होंने की बसपा प्रत्याशी से और ये भी बताया कि कुछ ही देर में मायावती की जनसभा भी वहां पर आयोजित होने वाली है।